क्रिसमस और विंटर हॉलीडेज बस अब शुरू ही होने वाली है और हर जगह अलग अलग प्रोडक्ट्स पर सेल आना भी शुरू हो चुकी है। बट अभी हम सभी गेमर्स के लिए किसी भी और चीज को खरीदने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बस एक ही चीज, जो कि है गेम्स। और इस टाइम पे गेम्स खरीदना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हो, क्योंकि पूरे साल भर इससे सस्ते गेम्स हमें और कहीं नहीं मिलने वाले एक्सेप्ट समर सेल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेम्स बताने वाला हूं जो एपिक स्टोर पे अभी बहुत ही सस्ते हुए हैं और जिनको खरीदने का अभी बेस्ट टाइम है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 गेम है सीडी प्रोजेक्ट रेड का साइबरपंक 2077। भले ही इस गेम की आज से एक साल पहले बहुत ही बेइज्जती हुई हो, बट सीडी प्रोजेक्ट रेड का होने की वजह से ये गेम काफी बढ़िया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर इस गेम की बेइज्जती का एक बहुत बड़ा कारण था इसके बग्स और ग्लिचेस, जो स्पेशली इसको प्री ऑर्डर करने वालों ने झेले थे। बट जैसा कि इस बात को अब एक साल हो चुका है, तो अब तक तो इसके सारे बग्स और ग्लिचेस ठीक भी हो चुके हैं एंड अब तो हम इस गेम को अपने पीसीज पर स्मूथली खेल भी सकते हैं। एंड साइबरपंक 2077 को खेल चुके बहुत से लोगों से मैंने ये भी सुना है कि ये गेम काफी डीप, मतलब इस गेम में डेप्थ बहुत है। तो अगर आपको भी कुछ डेप्थ भरे प्लस पॉलिश्ड गेम्स खेलना पसंद है तो आप इसको इस विंटर सेल में कंसीडर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं साइबरपंक हमें इस सेल में कितने का मिलने वाला है। तो साइबरपंक 2077 का ओरिजिनल प्राइस है 3000 रुपीज, बट सेल में इस पर 50% डिस्काउंट लग जाने के बाद ये 1500 रुपए का हो चुका है। प्लस इस पर एपिक कूपन लग जाने पर इसमें 750 रुपीज और कम हो जाते हैं और ये गेम हमें मात्र 750 रुपीज का मिल जाता है। और अभी जिस 750 रुपीज वाले एपिक कूपन के बारे में मैंने बात करी, वो हर किसी को 7 जनवरी 2022 तक मिलने वाला है। बट इसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। वैसे मैं इस एपिक कूपन पर जल्द वीडियो बनाऊंगा, वैसे अगर आपको इस टॉपिक पर जल्द वीडियो देखनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहां मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सेल में या फिर फ्यूचर में कभी भी एपिक स्टोर से कोई गेम खरीदो तो आप प्लीज मेरा क्रिएटर टैग जरूर यूज करना, जो कि आपको पेमेंट के टाइम पे इस बॉक्स में डालना होगा। और यहां जस्ट आपको मेरा कोड स्प्लिट एज लिख देना है, इससे मेरे को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा और आपका भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो प्लीज़ गेम्स की फाइनल पेमेंट करते टाइम मेरा क्रिएटर टैग स्प्लिट एच इस बॉक्स में ज़रूर यूज़ करना, भले ही आप एक फ्री गेम ही क्यों ना क्लेम कर रहे हो, और ये बिल्कुल फ्री है तो प्लीज़ इसको ज़रूर यूज़ करना। नंबर 4 गेम है इसी साल रिलीज हुआ PlayStation एक्सक्लूसिव गेम डेज गॉन। और अगर आप भी कोई जॉम्बी एपोकलिप्स गेम ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको डेज गॉन जरूर खेलना चाहिए। और डेज गॉन एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम, प्लस इसकी स्टोरी भी बहुत शानदार है, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो मैं तो बोलूंगा कि ये गेम आपको इस सेल में जरूर कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको इस गेम का एक रिव्यू देखना हो तो मैंने डेज गॉन पीसी की एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई है, आप गेम खरीदने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। और डेज गॉन की स्टोरी भी मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन करी हुई है, उसको देखने के बाद आपको डेज गॉन की स्टोरी का भी एक काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो ओरिजिनली डेज गॉन का प्राइस है 3000 रुपीज, बट इस सेल में आपको डिस्काउंट प्लस एपिक कूपन लग जाने के बाद ये गेम 1050 रुपए का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी साल रिलीज हुए इतने बढ़िया गेम में ये काफी बढ़िया डील है और इसको आप इस सेल में कंसिडर कर सकते हो। नंबर 3 गेम है असैसिन्स क्रीड सीरीज का सबसे नया गेम असैसिन्स क्रीड वैलहाला। और अगर आप भी मेरी तरह असैसिन्स क्रीड सीरीज के फैन हो और अगर आपने भी अभी तक वैलहाला नहीं खेला है तो आप इस सेल में इस गेम को खरीद सकते हो। वैसे तो मैं सभी से जनरली असैसिन्स क्रीड को स्टीम से खरीदने के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि वहाँ बंडल एडिशन में असैसिन्स क्रीड के 2 से 3 गेम सस्ते में मिल जाते हैं। बट अगर आपको सिर्फ वैलहाला ही खेलना है तो एपिक स्टोर से खरीदने में आपको इस पर फायदा होगा, क्योंकि ओरिजिनली 3000 रुपये में मिलने वाला वैलहाला आपको एपिक स्टोर की इस सेल पर सिर्फ 750 रुपीज का ही पड़ेगा। और ये भी एक बहुत बढ़िया डील आपके लिए हो सकती है अगर आप एक असैसिन्स क्रीड फैन हो। बाकी पेमेंट के टाइम हमारा क्रिएटर टैग स्प्लिट एज जरूर यूज करना। नंबर 2 गेम है हम सबका फेवरेट और सबसे पॉपुलर GTA 5।
और जो लोग भी यार पूरे साल भर GTA 5 किसी भी कारणवश नहीं खरीद पाए हों और बहुत ही सस्ता होने का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह 2020 में एपिक से इसे फ्री में क्लेम नहीं करा था, देन गाइस इट्स योर टाइम, क्योंकि हमेशा 2000 के आसपास रहने वाला GTA 5 एपिक स्टोर में इस सेल में सिर्फ और सिर्फ 410 रुपए में मिल रहा है और इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गेम GTA 5 ही है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इससे सस्ता GTA 5 और कभी आपको मिलेगा। तो मैं तो बोलूंगा प्लीज इसे आप तो बिल्कुल भी मिस मत करना, भले ही आप पीसी या लैपटॉप अगले साल रिजल्ट आने के बाद ही क्यों ना खरीदो, बट GTA 5 को तो आप अभी खरीद के रख लो क्योंकि तब 1500 या 2000 देने से तो अच्छा यही होगा कि आप अभी इसको 410 रुपए में खरीद कर ही रख लो, क्योंकि GTA 5 के दोबारा से फ्री होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है और अगर ये कभी फ्री हुआ तो वो एक चमत्कारी होगा, इसलिए 410 रुपए में तो इसे आप जरूर खरीद लेना क्योंकि GTA 5 कितना मजेदार और एक गेमर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है ये तो आप सभी जानते हो। बाकी क्रिएटर टैग स्प्लिट एज पेमेंट करने से पहले जरूर यूज कर लेना, नहीं तो तुम्हारा GTA 5 डाउनलोड नहीं होगा। नंबर वन गेम है आज तक का सबसे तगड़ा और बेस्ट गेम RDR2, जिसका पर्सनली मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था और जिसको मोस्ट प्रोबेबली मैं भी इस विंटर सेल में खरीदने वाला हूँ। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 कितना प्यारा गेम है ये तो आप सभी जानते हो और हमने अपनी बहुत सी वीडियोस पे टाइम टू टाइम इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी करी हैं, बट खरीदने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको वेस्ट और काउबॉय थीम पसंद आती हो, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा भी है। और स्टोरी और ग्राफिक्स तो इस गेम के नेक्स्ट लेवल हैं, तो इसके टेंशन लेने की तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो हमेशा 3000 के आसपास रहने वाला रेड डेड रिडेम्पशन 2 आपको एपिक स्टोर की इस सेल में मात्र 850 रुपीस का मिलने वाला है और मैं भी इस गेम को बहुत टाइम से देख रहा था बट इससे सस्ता मैंने इसको कभी नहीं देखा, बल्कि आई थिंक लास्ट मंथ भी ये 1400 तक डाउन आया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 850 में आपको सिर्फ स्टोरी मोड मिलेगा क्योंकि रेड डेड ऑनलाइन हमेशा ही एक अलग गेम रहा है जो नॉर्मली 1200 से 1500 का ही रहता है, बट इस सेल में ये भी आपको 374 रुपीस का मिलने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप बहुत ही आराम से सुनना अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हो तो आपको RDR 2 खरीदते टाइम अगर आप ऑनलाइन वाला भी खरीद रहे हो तो आपको ये दोनों ही गेम्स अलग अलग लेने हैं और भूल से भी इसका अल्टीमेट एडिशन मत लेना जिसमें ये दोनों ही गेम्स साथ में मिल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट एडिशन आपको 1330 रुपीस का पड़ेगा और अगर आप ये दोनों गेम्स अलग अलग खरीदते हो तो ये आपको 1224 रुपए के मिलेंगे, मतलब ऐसा करने पर आपके 106 रुपए बच जाएंगे। अब हाँ, अगर आपके पास ज्यादा रुपए पड़े हो या आपको कुछ और एडिशनल कंटेंट चाहिए हो तो आप इस बात को इग्नोर कर सकते हो, बाकी स्मार्ट बाय तो इसको अलग अलग खरीदने पर ही रहेगा। सो गाइस, यही थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको एपिक गेम की विंटर सेल में मिलने वाले वो टॉप 5 पॉपुलर गेम्स बताए जिसको खरीदने का अभी बेस्ट टाइम है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ हो सकता है इस वीडियो में वो गेम ना इंक्लूड हुआ हो जिसको आप इस सेल में खरीदने की सोच रहे थे, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक ये सेल चलेगी तब तक मैं ऐसी और एपिक स्टोर के साथ ही स्टीम के भी विंटर सेल पर अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और गेम लिस्ट वीडियोस बनाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दो जिससे आने वाली उन वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करो। बाकी एपिक स्टोर से गेम खरीदते टाइम प्लीज आप मेरा क्रिएटर कोड स्प्लिट एज जरूर यूज करना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।